टीएसटीवी में आपका स्वागत है। मुस्लिम समाज के लोगों को एक जाजम पर लाने के लिए बैठक आयोजित की गई। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। औज़ु बिल्लाहि समी अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की जो मीटिंग रखी गई है वो मुसलमानों को एक करने के लिए कि मुसलमान एक हो और अपना हक पहचाने, बिलखसूस एजुकेशन के लिए कि हमारा यह मुस्लिम तबका जो है वो एजुकेशन से बहुत दूर हो चुका है और इस एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए सबको एक जगह लाया जाए, चाहे वो किसी फिरके को हो, उम्मत मुस्लिम में सब शामिल है और इसको एक करने के लिए मीटिंग रखी गई है ताकि ये अपना हक इल्म के ज़रिए से लेके, जब तक इल्म नहीं होगा अब आगे कोई समाज नहीं बढ़ सकता है, इल्म हो और इत्तेहाद हो। अजमेर के आम मुसलमान सभी फ़िरकों के, चाहे वो शिया है, चाहे देवबंदी है, चाहे सुन्नी है, इन सभी को एक जाजम पे लाने के लिए, एक मसनद पे लाने के लिए एक हमने एक बैठक रखी थी। हमारा बैठक का मकसद ये था कि हमारे जितने लोग अलग अलग फ़िरकों में बटे हैं वो सारे फिरके एक जादम पर बैठ करके अपनी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो अपने मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान आपसी समन्वय से, आपसी राय मशवरे से बैठ करके कर सके। क्योंकि मुस्लिम समाज आज की तारीख में ना सिर्फ अजमेर बल्कि स्टेट बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हाशिए पे पड़ा हुआ है, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो, चाहे वो शिक्षित तौर पे हो, चाहे वो प्रशासनिक तौर पे हो, क्योंकि ना तो कोई आईपीएस बन पाता है, ना कोई आरएस बन पाता है, ना कोई राजनीतिक तौर पर ऊपर लेवल पे कहीं पहुँच पाता है। इसी सोच को लेकर के हम लोगों ने एक सोच बनाई है कि सभी मसलक को लेकर के, सभी जमातों को लेकर के एक बैठक रखी जाए और उसमें आपसी राय मशवरे से आगे की रणनीति को तैयार किया जाए ताकि हमारा जो मुस्लिम समाज का विकास है वो विकास आगे बढ़ सके, चाहे वो शिक्षित हो, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, चाहे वो प्रशासनिक तौर पर हो। हम जब तक शिक्षित नहीं होंगे हम किसी आगे किसी भी फील्ड के अंदर अपना योगदान नहीं दे सकते। इसीलिए को लेकर के सभी जमातों के लोग, चाहे वो शिया जमात से हैं, सुन्नी जमात से हैं, फिर देवबंदी हैं, सभी जमात के लोगों को हमने एक जाजम पे ला करके इसके अंदर बैठ करके हम तय कर रहे हैं। अध्यक्षता किसी की नहीं है, सभी जमातों को एक जाजम पर लाने की कोशिश की गई है, इसमें कोई अध्यक्षता नहीं है। और वो ये जो बैठक की गई है मुस्लिम एकता मंच के द्वारा आयोजित की गई है, मुस्लिम एकता मंच के पहले भी बना हुआ है, उसको शुरू से ही वापस से इसको वापस लाने काजी मनोहर इलेक्शन में अगर किसी मुस्लिम प्रतिनिधि को अगर चुनाव में खड़ा नहीं किया जाता उसके लिए आप क्या कहेंगे? अभी हमने इसमें मुस्लिम प्रतिनिधि की कोई बात नहीं की चुनाव में, हमने तो सभी इस फील्ड के अंदर अपना योगदान रहे इसको लेकर के आपसी राय मशवरा करके आगे की जो रणनीति बनेगी उस पर चर्चा की जाए। आपका परिचय? काजी मुनव्वर अली, सामाजिक कार्यकर्ता।